आप सबका इस्तकबाल है MFI TV न्यूज़ पर। AIMIM प्रेसिडेंट व MP हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर AIMIM कारवान MLA जनाब कौसर मोहिउद्दीन साहब ने आज GHMC जोनल कमिश्नर और GHMC ऑफिसर्स के साथ हकीम पेट कुंडा, मिराज कॉलोनी, निज़ाम कॉलोनी, टोली चौकी, नदीम कॉलोनी, कुली कुतुब शाह नगर, अकबरपुरा, बाल रेड्डी नगर, अहमद कॉलोनी, मोटी दरवाज़ा, रेती गली, गोलकुंडा पुलिस क्वार्टर, रेशम बाग, लंगर हाउस, कारवान, पटेल होटल, लक्ष्मी नगर तमाम एरिया का दौरा किया है, जिसमें नानाल नगर कॉपरेटर जनाब मोहम्मद नसीरुद्दीन साहब, कारवान कॉपरेटर जनाब M राजेंद्र यादव साहब, गोलकुंडा नुमाइंदा कॉपरेटर जनाब अजीज़ खान पठान साहब, लंगर हाउस नुमाइंदा कॉपरेटर जनाब वाजे उजामा सिद्दीकी साहब, टोली चौकी नुमाइंदा कॉपरेटर जनाब हारून फरहान साहब और पार्टी वर्कर्स भी मौजूद थे। हमारे नुमाइंदे अहमद मोहिउद्दीन की यह खास रिपोर्ट पेश है। हर अहम खबरों के लिए MFI TV न्यूज़ को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर लाइक करें, इंस्टाग्राम ट्विटर पर फॉलो करें। कल शाम 4:45 से जो तूफानी बारिश हुई थी 7:30 बजे तक, जिसके बाद बारिश की हालत में सदर मोहतरम की हिदायत पर हलके कारवान के कई इलाके जात का रात देर गए रात तक तफसीली दौरा किया गया और साथ ही साथ GHMC की टीम और GHMC के DRF वाले डायरेक्टर इंफोर्समेंट की टीम इन तमाम मिलकर जितने भी इलाके जात के अंदर है उन तमाम इलाके जात का तफसीली दौरा किया गया था और रात में हमारे जोनल कमिश्नर और सदर मोहतरम ने फोन पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी MUD अरविंद कुमार साहब से भी 11:45 बजे रात को बात कराए थे, जिसके बाद जो मेन अहम मसला अरविंद कुमार साहब को तफसीलात बताया गया कि हकीमपेट बुल्कापुर नाले का जो आर्मी के अहदेदार ने डायवर्शन कर जो मेराज कॉलोनी, मुख्तारगुड़ा, निज़ाम कॉलोनी, टोली चौकी, जो आर्मी की तरफ से जो डायवर्शन किया गया जो बुल्कापुर नाले के अंदर चेक डैम डालने की वजह से निज़ाम कॉलोनी हो या मेराज कॉलोनी हो या टोली चौकी जंक्शन हो, इन तमाम इलाके जात के अंदर ये पानी आ रहा है। ये मेन नाला शेखपेट से होता हुआ बुल्कापुर हकीमपेट होता हुआ मिल्टी इलाके से गुजरता हुआ अहमदनगर, चिंतल बस्ती, हुसैन सागर को जाने का नाला है। इसको डायवर्शन किया गया जिसकी वजह से काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो और रात में सदर मोहतरम को तयफुन दिया प्रिंसिपल सेक्रेटरी MUD ने कि आर्मी के आला अहदेदारों से बात कर जो भी मसाइल है, जो प्रॉब्लम्स है, उन तमाम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का तयफुन दिया गया और सुबह में जोनल कमिश्नर के साथ में निज़ाम कॉलोनी, टोली चौकी, मेराज कॉलोनी, हकीमपेट कुंटा, जहां पर भी रात में पानी दाखिल हो गया था, इन तमाम इलाकाजात का तफसीली दौरा किया गया। सुबह में 8 बजे से लेकर अभी 10:45 होने को आ रहे हैं, अभी तफसीली दौरा चल रहा है। नदीम कॉलोनी के अंदर शातम तालाब का आउटलेट, जो आउटलेट को एक बंद किया गया, बंद हो गया, जिसके अंदर कई चीजें जाकर चौकअप होने की वजह से पानी स्लो जा रहा है। अभी मैं विश्वजीत साहब डायरेक्टर इंफोर्समेंट से भी बात किया, उनकी टीम भी, हमारी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सत्यनारायण साहब की भी टीम वहां पर काम कर रही है। मैं समझता हूं इंशाल्लाह शातम तालाब का
शाम तक उतर लो लेवल उतरने की वजह से उतर जाएगा, जिसके बाद नदीम कॉलोनी हो या विरासत नगर हो या खुली खुतुब शाह नगर हो, इन तमाम इलाकाजात का जो मकानात के अंदर रोड के ऊपर 3 फीट 4 फीट पानी है, वो तमाम पानी उतरने की उम्मीद है। और रहा सवाल, जोनल कमिश्नर को तफसीली बताया नदीम कॉलोनी, विरासत नगर, निर्जा कॉलोनी, खुली खुतुब शाह नगर, जमाली कुंटा, जो जमाली कुंटा FTL को जो इंक्रोच किया गया गोल्फ वाले वो नाले को भी जो इंक्रोच करने की वजह से जमाली कुंटा खुली खुतुब शाह नगर के अंदर जो पानी दाखिल होगा, तो तफसीली उन्होंने पैदल दौरा करे और उनके आला उनके अहदेदारों को हिदायत दिए कि गोल्फ क्लोज के तमाम अहदेदारों को नोटिस दिए ताकि वो नाले के अंदर इंक्रोचमेंट, तालाब के अंदर जो इंक्रोचमेंट किया जा रहा है वो डिमोलिशन करने का तयन दिए। और साथ ही साथ अकबरपुरा, विरासत नगर, इन तमाम इलाकेजात लंगड़ो, लक्ष्मी नगर, प्रशांत नगर, जितने भी रात में अफेक्टेड हुए पानी में, उन तमाम इलाकेजात का तफसीली दौरा हुआ। मैं उम्मीद करता हूं कि जोनल कमिश्नर इंशाल्लाह जितने भी इलाकेजात के अंदर देखें वो तमाम इलाकेजात का प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। सबसे बड़ा अहम मसला टोली चौकी निजाम कॉलोनी का है, और रात में मुझको सदर मोहतरम भी बताया 2-3 मरतबा, यहाँ के मुकामी लोग भी सदर मोहतरम से बात करें। अभी यहाँ पर निजाम कॉलोनी में चौमई हमारे ई साहब भी है, बॉक्सजन का काम चल रहा है, जिसकी वजह से ये बारिश की वजह से और बीच में लॉकडाउन की वजह से बॉक्सजन का काम रुका था। अभी बीच में पानी को डाइवर्शन करने के लिए, नाले को डाइवर्शन करने के लिए NP3 का काम भी लिए थे, वो काम भी चल रहा है। इंशाल्लाह वो काम मुकम्मिल होने के बाद बॉक्सजन का भी काम मुकम्मिल 1-2 महीने के अंदर मुकम्मिल हो जाएगा। मैं समझता हूँ जब बॉक्सजन का काम मुकम्मिल होने के बाद निजाम कॉलोनी के अंदर कोई मसाइल, कोई पानी घरों में दाखिल होना या बुरका नाले का पानी रोडों के ऊपर आने का जो प्रॉब्लम चल रहा है, इंशाल्लाह मसाइल को हल करने की पूरी कोशिश। और आर्मी के अंदर भी एक नाले को रिटर्निंग वाल गिर चुकी है, जोनल कमिश्नर को बिल्डिंग के ऊपर ठहरा कर बताया, वो भी सेंक्शन करने का तयन किया। जितने भी काम आज सुबह में देखे उन तमाम के तमाम कामों को सेंक्शन करने का तयन किया। मैं फिर एक मरतबा मैं मीडिया से, मीडिया के जरिए आवाम से गुजारिश करता हूँ, आपके जो भी मसाइल रहेंगे आप मुझको बताइए। 24 घंटे मेरी जमात के सदर और जमात के मोतमदीन, मेरी जमात के कॉरपोरेटर, मैं खुद आवाम के दरमियान में हूँ। इंशाल्लाह आपके मसाइल को हल करने की पूरी कोशिश करेंगे। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।